दोस्तों बॉलीवुड में जब कोई नई लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है तो उसे हीरोइन बनाने से पहले या फिल्म देने से पहले उस लड़की का शारीरिक शोषण किया जाता है और उसके बाद में उसे फिल्म दी जाती है। अगर लड़की इन चीजों को झेल लेती है तब तो वह जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, और अगर कोई लड़की यह सब नहीं करती तो उसे कोई फिल्म नहीं मिलती और वह फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाती है। सिनेमा के पर्दे पर जब किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं तो उनकी जिंदगी बड़ी रंगीन लगती है। सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे हीरोइनों को वो सब सहना पड़ता है जो वो मुंबई आते समय सपने में भी नहीं सोचती होंगी। एक चौंकाने वाले सर्वे के अनुसार पूरे भारत देश में जितने कंडोम्स की खपत होती है उसका 85% हिस्सा केवल बॉलीवुड के वो कलाकार इस्तेमाल करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। इसलिए जिनकी किस्मत इसमें चमकती है वही गोल्डन सितारा बनता है। आज हम बॉलीवुड की ऐसी ही एक खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कामयाबी हासिल करने के लिए हर वो काम किया जो कि भारतीय समाज में शर्मनाक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस अभिनेत्री के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम है कैटरीना कैफ। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। अपनी शानदार अभिनय कला, भोली सी सूरत, सादगी भरे अंदाज के कारण वे लाखों दिलों पर राज करती हैं। लाखों लड़के कैटरीना पर जान छिड़कते हैं, लेकिन कुछ लड़के या अभिनेता ऐसे भी रहे हैं जिन पर खुद कैटरीना ने जान छिड़की है। तो आइए बात करते हैं कैटरीना कैफ की लव लाइफ के बारे में। कैटरीना कैफ का नाम सबसे अधिक सुर्खियों में सलमान खान के साथ रहा है। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों की शादी करने की खबरें भी आई थी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक है जो अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रही हैं। पहले सलमान खान के साथ उनके रिश्ते की खूब चर्चा सुनने को मिली। सलमान और कैटरीना पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन साल 2011 में जब सलमान खान ने कैटरीना कैफ को रणबीर कपूर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो सलमान ने गुस्से में आकर कैटरीना कैफ को जोरदार थप्पड़ मारा और काफी भला बुरा भी कहा। फिर कुछ दिन बाद ही खबर आई कि कैटरीना गर्भवती हो चुकी है, जिसके बाद सलमान ने जाकर कैटरीना का अबॉर्शन करवाया। अब ये तो नहीं पता कि कैटरीना के बच्चे का बाप सलमान खान था या फिर रणबीर कपूर, लेकिन इस घटना के बाद कैटरीना और सलमान का ब्रेकअप हो गया, लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों दोस्त हैं। यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड स्टार ब्रेकअप के बाद साथ काम कर रहे हों। इससे पहले भी कई स्टार्स ब्रेकअप के बाद भी साथ काम कर चुके हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार का नाम अब तक कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है और इनमें कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। दोनों की जोड़ी ने इंडस्ट्रीज को काफी हिट फिल्में भी दी। अक्षय कुमार पहले से विवाहित होने के चलते इस जोड़ी का प्रेम प्रसंग अधिक समय तक नहीं चल सका। कैटरीना का नाम बॉलीवुड के चॉकलेटी अभिनेता रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ा है। इन दोनों का प्यार भी एक समय खूब परवान चढ़ा था। हालांकि यहां भी कैटरीना कैफ को निराशा ही हाथ लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब फिल्म राजनीति से आए, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। कैटरीना अपने प्रेम में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रणबीर से अलग होने के बाद कैटरीना का दिल सिद्धार्थ पर आया। दोनों फिल्म बार बार देखो में साथ काम करते हुए नजर आए थे और इस फिल्म के गाने काला चश्मा से दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि कैटरीना सिद्धार्थ के साथ अफेयर की खबरों से इनकार करती रही है। साल 2019 में कैटरीना कैफ का नाम अभिनेता विक्की कौशल के साथ भी जुड़ा। हालांकि कोई खास जानकारी इस दौरान सामने नहीं आ सकी। अब तक कई अभिनेताओं के साथ इश्क लड़ा चुकी कैटरीना कैफ फिलहाल बिना किसी जीवन साथी के अपना समय व्यतीत कर रही है।